अगर आपको घर में फंसा फंसा सा महसूस नहीं पसंद, लेकिन घर से प्यार भी है, तो वायव्य दिशा के लिए ये वास्तु टिप्स ट्राई करो। वास्तु शास्त्र में वायव्य दिशा बहुत मायने रखती है। ये सब हवा तत्व को बैलेंस करने के बारे में है। सबसे पहले इस एरिया को साफ सुथरा रखो, गंदगी से एनर्जी का फ्लो रुक सकता है। अब यहां एक विंड चाइम लगाओ, इसकी सुकून भरी आवाज हवा तत्व को बैलेंस करने में मदद करती है। हल्का नीला या सफेद डेकोर भी रख सकते हो, क्योंकि ये रंग शांति और स्पष्टता को बढ़ाते हैं। गेस्ट रूम है, वाह, वायव्य दिशा उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये मेहमानों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने में मदद करती है। आखिर में इस दिशा में भारी फर्नीचर मत रखो, ये पॉजिटिव एनर्जी को कम कर सकता है। तो लो जी, अपने वायव्य दिशा को सुधारने के लिए आसान और सरल वास्तु टिप्स ट्राई करके देखो और अपने घर के वाइब में फर्क महसूस करो। और वास्तु टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।